आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, बीएससी में हो, इवन आप किसी भी क्लास में हो, आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा। और ये एक वीडियो ही नहीं बल्कि एक सीरीज रहेगी जिसमें चार पांच वीडियो मैं आपको दूंगा, और इन चार पांच वीडियो में आपको बहुत ही कमाल की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो आप गलतियाँ करते हो, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल ही ये है स्टूडेंट्स की गलतियाँ। हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई के दौरान हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे परसेंटेज, या हम पढ़ाई तो उतनी ज़्यादा करते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे परीक्षा फल में नंबर नहीं आ पाते, ऐसा क्यों, ऐसे क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन सी बाधाएँ होती हैं जिनके कारण आपके नंबर कम हो जाते हैं। मेहनत आप पर्याप्त करते हो लेकिन नंबर आपके इतने नहीं आ पाते जितनी आप मेहनत करते हो, तो उन्हीं सब जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, उन चीज़ों को आप डिस्क्राइब करके उन पर प्रतिबंध लगाओगे ताकि आपके परसेंटेज बढ़ जाए। तो उसके लिए ये वीडियो है और आप सभी के लिए यूजफुल वीडियो रहेगी। आप पूरा देखिए, इत्मीनान से सब कुछ समझ में आएगा और फिर आपको लगेगा कि हाँ, इसमें जो बताई गई बातें हैं वो गलतियाँ हम भी कर रहे हैं और उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और ये गलतियाँ वो हैं जो समय से पहले सुधर जाए तो ठीक, अदरवाइज समय निकल जाता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। तो सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं, जैसे देखिए मैं आपसे एक बात कहूँ, जैसे हम मान लीजिए बीमार हो गए, हमें सर्दी जुकाम और थोड़ा सा बुखार आ रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पहले दिन देखेगा हाँ भाई बुखार है इसको, सर्दी जुकाम पूछेगा, आपसे दवाई दे देगा, दो दिन की दवाई दी, यदि आपको उससे फायदा नहीं पड़ा, डॉक्टर के पास दोबारा जाओगे तो आप क्या कहते हो, हमारा ब्लड चेक कर लेगा, डॉक्टर खुद ही ब्लड चेक कर लेता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं, उसने पहले एंटीबायोटिक वगैरह दवाई सब कुछ लगा दी एक नॉर्मल, लेकिन उससे सही नहीं हुए तो मतलब क्या है कि आपकी अभी उसको बीमारी की सही परख नहीं हो पाई है। लेकिन जब वो ब्लड चेक हो जाता है, रिपोर्ट हाथ में आ जाती है, देन उसके बाद में क्या होता है कि डॉक्टर को पता चल जाती है कि भैया इसको बीमारी ये है कि बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, क्या है, फिर उसी की दवा दे देता है वो, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हो आप, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसको पहले से ही पता चल गई कि बीमारी ये है तो इसकी दवा ये देनी पड़ेगी। वही चीज़ कि जब आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी कि हम ये गलतियां कर रहे हैं, तो उसी का आप निवारण हेतु कदम उठाओगे और आपके चीज़ें बढ़िया होने लगेंगी। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स, स्टूडेंट्स की गलतियाँ, एपिसोड 1, जिसमें हम बात करेंगे 90% की चाल। आपने भी रखी होगी, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे 80% आ जाए, कुछ लोग सोचते हैं 70%, यानी कि एक हाईली अमाउंट में परसेंटेज की चाहत रखते हैं, हम सोचते भी हैं हर स्टूडेंट। यदि जिस स्टूडेंट ने परसेंटेज के बारे में नहीं सोचा, परसेंटेज के बारे में कौन स्टूडेंट नहीं सोचते हैं, वो जिनका पढ़ने में मन नहीं होता, या जो जो पढ़ना ही नहीं चाहते, या वो बस इनको क्या पता है कि मेरे को अपने पिताजी का बिजनेस ही संभालना है, या मेरे को खेती ही करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पास हूँ या फेल हूँ, या मुझे दुकान पर ही बैठना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप यदि थोड़ा पढ़ने के इच्छुक हो तो आप जरूर सोच रहे होंगे, उसमें गलतियाँ क्या हैं। जैसे कि हम इंटर की बात करें तो इंटर में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, होता क्या है कि मान लीजिए हमारा मैथ अच्छा है तो हम मैथ पर ही पूरा फोकस कंसंट्रेट करते रहते हैं, पहली चीज ये। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि हमारे पास यदि 5 सब्जेक्ट हैं और 90% हमको चाहिए तो सभी में 90-90 आने चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस जैसे मैथ अच्छा है तो हमारा मैथ में 95 आ गए, और मान लीजिए फिजिक्स हमारी कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है तो केमिस्ट्री में 85 आ गए, तो भी 90% ही रहेंगे। लेकिन आपको क्या है कि सभी में औसतन 90-90 आने चाहिए, तभी तो 90% बनेंगे। पहली गलती तो ये कि हम सभी सब्जेक्ट को बराबर समय या बराबर गंभीरता से नहीं लेते हैं। दूसरी चीज ये कि हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, पेपर से पहले पढ़ेंगे बहुत जल्दी काम हो जाएगा, या अभी तो बहुत समय है, ना तो हमने कोचिंग लगाई, ना अभी तक हमने सिलेबस के बारे में भी हमको पूरी जानकारी नहीं है कि नए सिलेबस में हमारी क्या चीज हट गई है और क्या चीज नई जुड़ गई है, हमको यही जानकारी नहीं है। और गलतियां होती हैं कि जैसे कि मान लो कि मैं सोचूंगा यार अब की बार पेपर, पिछली बार पेपर मार्च में हुए थे, अब की बार भी मार्च में ही होंगे, कोई बात नहीं, आराम से समय मिलेगा, अभी तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने वो, और अभी तो अक्टूबर चल रहा है, अभी तो बहुत समय है, तो समय ही समय है ऐसा सोचते रहते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, फिर सोचते हैं कि बस अब देखेंगे, अब यूट्यूब पर फिर सर्च मारेंगे हाउ टू फर्स्ट डिवीजन इन 5 डेज, हाउ टू गेट 95% इन 1 डे,
ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि कोई किसी के पास जादू की छड़ी है जो आपके सर पर से घुमा दी जाए और एक दिन पढ़ के आप 90% ले आओ। है यूट्यूब पर भी वीडियो ऐसी बनाते हैं थंबनेल लगाकर कि बस इनको पढ़ लो 90% आपके। हम भी ऐसे बना लेते हैं, हमारी गलती भी यही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वास्तविकता में बता रहा हूँ आपको कि यदि आप 90% चाहते हो तो आपको एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप सोच रहे हो कि एक ही दिन में पढ़ के 95% ले आए या 100 में से 100 आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा भाई। हो कैसे जाएगा, सोच के देखो आप। मैं मान के ही चल रहा हूँ कि आपके एक सब्जेक्ट में 90% आ गए, एक दिन आप मेहनत कर लोगे, हो सकता है। मान लीजिए जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, हो सकता है कि उसमें एक दिन में पढ़ के आप, मान लो ऐसे, वो भी रेयर केस है, लेकिन मान लिया, फिर आगे के सब्जेक्ट में क्या होगा। ऐसे बीएससी की बात करें, बीएससी में 3 सब्जेक्ट होते हैं। सोचते हैं बीएससी में पहली बार तो सोचते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगी, उसमें एक चैप्टर आपका 11वीं या 12वीं क्लास का दे रखा है, तभी समझ दिमाग में आने लगता है बस, अरे ये तो 11वीं 12वीं का कोर्स है, कर लेंगे। फिर जैसे जैसे पेपर नजदीक आते जाते हैं, फिर पता चलता है कि अरे 11वीं 12वीं का तो उसमें थोड़ा सा बेस दे रखा था, बाकी चीज तो सारी नहीं है। क्वेश्चन पेपर पुराना देखोगे, इसमें तो एक भी प्रश्न नहीं हो रहा ना, एक भी 11वीं 12वीं का प्रश्न है, तो कैसे करें। फिर भागते हैं प्रोफेसरों के पास, फिर कोचिंग ढूंढते हैं, फिर यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि एक दिन में बस भगवान। फिर वो जो परसेंटेज की जो चाहत होती है ना हमारी 90% की, फिर धीरे धीरे करके कम होती जाती है, और फिर लास्ट में हम क्या सोचते हैं, बस पास हो जाए भगवान। फिर भगवान को याद करते हैं, भगवान बस आज का पेपर अच्छा निकल जाए, बस भगवान जी बस ये क्वेश्चन फंस जाए, या भगवान जी बस ये पास हो जाए, बस इतना करवा दो भगवान जी, बस पास हो जाए, बस फेल ना हो पाए, बस ये। तो हमारी जो 90% की चाहत है धीरे 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 करके किस्म बदल जाती है, बस पास होने की इच्छा पर आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने समय नहीं दिया प्रॉपर, आपने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई को गंभीरता से लिया ही नहीं कभी। तो अभी भी समय है, चाहे बीएससी वाले हो या 12th वाले हो, यदि अक्टूबर चल रहा है और आपके दिसंबर पार, यानी दिसंबर पार का मतलब समझ लो कि 2024 में पेपर होंगे, तो अभी भी आपके पास में 2-3 महीने बच रहे हैं, तो आज भी गंभीरता से आप लोगे पढ़ाई को और अभी भी प्रॉपर समय दोगे। यानी कि आपको क्या करना होगा, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, सोने का, जगने का, खाने का, पीने का और पढ़ाई का, और पढ़ाई के टाइम टेबल को फॉलो करो, चाहे आपका खाने का बिगड़ जाए, सोने का बिगड़ जाए, लेकिन पढ़ाई का ना बिगड़ने पाए तो भी आप पकड़ सकते हो। यानी कि अभी लास्ट ट्रेन है आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए, लेकिन ये ट्रेन छूटी तो फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये गलतियां होती हैं, और इन्हीं गलतियों से यदि नहीं सीख पाओगे तो आप कुछ नहीं होगा। हम भी सोचते थे अरे यार हम पे फिजिक्स का तो बहुत अच्छा आता है, फिजिक्स और मैथ आसान से हो जाएगी, फिर इंग्लिश हिंदी केमिस्ट्री पे कभी ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में हमें पता चला कि यार केमिस्ट्री तो बहुत खौफनाक है, इसकी तो रिएक्शन ही नहीं आती है हम पर, इसकी तो जो बनाने की विधियाँ ही नहीं आती हैं। फिर फिजिक्स में अरे इसकी डेरिवेशन बड़ी दिक्कत है, कौन से डेरिवेशन को याद करूँ, ये तो एक जैसा सही लग रहा है, बाद में पता चले गलत हो गया। तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, चीजों को देखो, टेस्ट दो जिससे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो और उसमें देखो, आप एक समय घड़ी से लगा के 3 घंटे तो आपके बिगड़ेंगे, लेकिन देखो आप, ऐसा नहीं कि हाँ इसे तो मैं कर दूंगा देख देख के, ऐसा नहीं, बिल्कुल आप किताब कॉपियों को अलग रख के 3 घंटे का समय लो और फिर देखो, फिर आपको असली कीमत आपकी पता पहचान में आएगी कि आप कितने पानी में हो। 3 घंटे बैठ के कोई भी प्रीवियस ईयर का एक पेपर लेकर उसको सॉल्व करो और फिर आपको पता चलेगा इसका 50% भी नहीं कर पाओगे आप। वास्तविकता है आज देख लेना, गारंटी के साथ 50% भी नहीं कर पाओगे सही सही। बस लगता है ये हमें जो क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं कि इसको कर देंगे, इसको कर देंगे, इसको कर देंगे, जब करेंगे आपको पता चलेगा 50% भी नहीं हो रहा, वो भी किया वो भी गलत। तो इन गलतियों को सुधार लो, अभी से पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डालोगे सभी सब्जेक्टों को बराबर समय दो, बराबर गंभीरता से लो, और जो कमजोर सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय दो, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कम दो। क्यों? मान लीजिए अब आपको क्या है, बात समझिएगा, जो 100 में से मान लीजिए 1 में 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है, 1 में 10 में से 8 नंबर आ रहे हैं, 1 में 10 में से 2 नंबर आ रहे हैं, 1 में 10 में से 7 नंबर आ रहे हैं, 1 10 में से 9 नंबर आ रहे हैं, तो आपको क्या है, ऐसा समझिएगा आपको इस पर तो कम ध्यान देने की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है, उससे कम इस पर। तो ऐसी चीजों को ही देखते हैं हम कि आपको क्या करना है। सब्जेक्ट देखो, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वही वो तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, लेकिन जो आपका खौफनाक सब्जेक्ट है उसको भी तो अच्छा बनाओ,
तभी भाई परसेंटेज आपके जो बनेंगे मार्कशीट में वो सभी के ओवरऑल बनेंगे। तो इसलिए सारी चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए सभी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करो। कसम खा लो आज कि हमको ये पढ़ाई करनी है तो करनी है। सारी चीज़ों को टाइम टेबल बनाओ, सभी का शेड्यूल वे में पढ़ाई करो तो आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज ये ट्रेंड छूटी तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो बस हम भी बनाएंगे ये देखो एक दिन में पढ़ के लेकर आए 90%। आप उस वीडियो को देखोगे कुछ नहीं होना कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ पेपर से पहले यदि 10 दिन पहले आप पढ़ोगे उससे कुछ नहीं होना, केवल पास हो सकते हो, परसेंटेज कभी नहीं आएंगे। ये मैं आज बता रहा हूँ, या फिर मुझे पूरे कोई भी मेरे सामने दावा के साथ कहे कि हाँ सर मैं मात्र पेपर से 10 दिन पहले पढ़ाता और 90% लेकर आया, 95% लेकर आया, या मैं IAS बन गया, PCS बन गया, ऐसा कोई भी नहीं होगा। हाँ ऐसे जरूर होंगे बोले कि मैं 12th में एक बार फेल हुआ लेकिन उसके बाद में मेरी किस्मत जागी और मैंने इतनी कड़ी मेहनत की कि मैं IAS बना, IPS बना, जज बना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन उन्होंने मेहनत की, लगातार मेहनत की। पर कोई ऐसा नहीं सुना होगा आपने किसी के इंटरव्यू में, नहीं मैंने IAS पास कर ली मात्र 1 महीने पहले तैयारी करने लगा था, ऐसा नहीं। या 12th में कि मैं टॉपर बन गया मात्र 5 दिन पहले मैंने पढ़ाई की थी, बस उससे पहले तो किताब मैंने देखी नहीं, मुझे सिलेबस की नहीं पता थी, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वास्तविकता ही यही है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि चाहत रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी है कि आप उस पर एक्शन कितना ले रहे हो। ठीक है, चाहत तो हम भी बहुत सारी रखते हैं लेकिन पूरी वही हो पाती है जिनकी आप कसरत करते हो, मेहनत करते हो, उन पर एक टाइम टेबल के साथ उस पर वर्क करते हो। तो चाहत रखना अच्छी बात है लेकिन उसको साकार करना उससे भी अच्छी बात है, तो करो। ठीक है, सभी सभी स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि जो सोच रखा है ना आपने, जो चाहत रखी है उसको हासिल करो। ठीक है, जो भी चाहत है उसको हासिल करो, चाहे उसके लिए दिन रात आपको पढ़ना पड़े या खाना पानी पीना सोना हर चीज त्यागनी पड़े, लेकिन अपनी चाहत को पाओ, प्राप्त करो, बस यही आपका लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। तो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ बातें सही लगी हों, सही लगी हैं तो कमेंट करना, और नहीं लगी हैं तो भी कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक दूसरे पर शेयर कर देना, लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके।